चलिए स्टार्ट करते हैं आपके बिजनेस स्टडीज की एक और केस स्टडी के साथ। पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्योल रेफर्ड इन द अबव पैराग्राफ। तो यहाँ पे आपसे फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में पूछ रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों के प्रिंसिपल साथ साथ चलते हैं। वन बिलीव्ड दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज, while the other suggested that a good company should have an employee suggestion system whereby suggestions which result in substantial time or cost reduction should be awarded. Now, पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी आपकी गीता है और गीता में जो लिखा है उसे ही आपको फॉलो करना है अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो, क्योंकि ये सारे के सारे लाइन्स और वर्ड्स आपके एनसीईआरटी से ही कोटेड हैं। तो टेलर के जो टोटल फोर प्रिंसिपल्स हैं उसमें से ये प्रिंसिपल कि मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, ये है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में। आप देख सकते हैं मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज। तो जो टेलर का प्रिंसिपल हमारी केस स्टडी में है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और जो फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स हैं उसमें से जो प्रिंसिपल केस स्टडी में कोटेड है वो है इनिशिएटिव, कि अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉई सजेशन सिस्टम वेयर बाय सजेशंस व्हिच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल टाइम और कॉस्ट रिडक्शन शुड बी रिवॉर्डेड। तो हमें इन्हें आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। तो मैं आपको एक बार बताती हूँ इनमें क्या है, इन पॉइंट्स में। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है वो कह रहे हैं कि जो लेबरर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, उन्हें खुद को अकेले अकेले नहीं समझना चाहिए। ये जो इससे पहले प्रिंसिपल है हार्मनी डॉट डिस्कॉर्ड, उसी से काफ़ी मिलता जुलता है, उसी की एक एक्सटेंशन है। उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए कॉम्पिटिशन की जगह। दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। मैनेजमेंट को अपने कान नहीं बंद करने चाहिए अगर वर्कर्स कुछ अच्छी सजेशंस दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर उनकी सजेशन से कुछ कॉस्ट या टाइम बचता है तो उन्हें रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। साथ ही साथ वर्कर्स को भी स्ट्राइक्स पे नहीं जाना चाहिए और अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए और इससे ट्रेड यूनियन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही टेलर ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वर्कर्स ही काम कर रहे हैं और मैनेजर्स अपने रूम में एसी में आराम से बैठे हैं बस। उनके बीच में इक्वल डिविजन ऑफ वर्क होना चाहिए। जब वर्कर्स काम कर रहे हैं साथ साथ मैनेजर्स को भी उन्हें इंकरेज करते रहना चाहिए, हेल्प करते रहना चाहिए और उनके लिए जो रास्ता है वो स्मूथ करते रहना चाहिए। तो चलिए हम इसे लिखते हैं, हमने इस पॉइंट को समझ लिया है। सॉल्यूशन, तो पहले हम ये लाइन कोट कर रहे हैं जहां से हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, constructive suggestions made by the employees, ये टेलर का जो प्रिंसिपल है वो है द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन नॉट individualism as given by Taylor. According to this principle, there should be complete cooperation between the labor and the management instead of
इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, बोथ शुड रियलाइज, बोथ शुड रियलाइज that they need each other. Iske baad hum likh rahe hain. At the same time, workers ko bhi strikes par nahi jana chahiye. Workers should not go on strikes and should not make unreasonable demands, उसके बाद, according to Taylor, there should be an almost equal division of work and responsibility. सारा काम workers पे नहीं डाले, उनको help करते रहे, उन्हें encourage करते रहे managers. There should be an equal division of work and responsibility between workers and management. All day long, the management should work almost side by side, should work almost side by side with the workers, helping, encouraging and smoothing the way for them. अब हम बात करते हैं फ्यूल के प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है इनिशिएटिव. फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स में से जो केस स्टडी में कोटेड है वो है इनिशिएटिव. इसमें है इनिशिएटिव का मतलब होता है पहला कदम उठाना सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा. ये एक इंटेलिजेंट पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक अच्छी कंपनी में एक एम्प्लॉई सजेशन सिस्टम होना चाहिए, जहां पर अगर उनकी सजेशन से कुछ कॉस्ट या टाइम रिड्यूस होता है तो उन्हें रिवॉर्ड भी करना चाहिए. तो अब हम लिखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो हमारा और जहां से हमने ये आइडेंटिफाई किया है, अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉई सजेशन सिस्टम. अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉई सजेशन सिस्टम वेयर बाय whereby suggestions which result in substantial, ये हम केस स्टडी से ही कोट कर रहे हैं, substantial time or cost reduction should be rewarded, should be rewarded. ये हो गया आपका द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. एज गिवन बाय टेलर, सॉरी आई एम सॉरी फ्यूल. अब इसके बारे में लिखते हैं.
Initiative means taking the first step, pehla kadam uthana, with self-motivation. Self-motivation. It is one of the traits of an intelligent person. It is one of the traits of an intelligent person. And workers should be encouraged. Workers should be encouraged to develop and carry out plans for self-improvement. And carry out plans for improvement. तो आई होप आपको अच्छे से केस स्टडी समझ में आए. इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं और केस स्टडीज आपके साथ शेयर करूंगी. थैंक यू सो मच.